नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अच्छा, ये जो कथा है नारद जी की कि वो नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो नारद जी दासी पुत्र थे तो फिर वो नारद जी कैसे हो गए? तो दासी पुत्र थे तब उसके पहले क्या थे? एक्चुअली सुनो, नारद जी पिछले जन्म में नारद जी तो नारद जी ही थे, नारद जी भगवान के अवतार हैं। अब आप प्रश्न उठाएंगे कि जब ये दासी पुत्र थे तो फिर भगवान के अवतार कैसे? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जब हमने पढ़ा तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट नजर आई कि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये भगवान के ही अवतार हैं। नारद जी से ब्रह्मा ने कहा कि नारद जी तुम शादी कर लो, विवाह कर लो और गृहस्थी बसा लो। हाँ, शादी कर लो। तो नारद जी ने अपने पिता से कहा तुम कैसे निर्दयी पिता हो। जब पिता ने कहा नारद जी से, ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से तुम शादी कर लो, तो नारद जी ने कहा आप कैसे निर्दयी पिता हैं, बेटे का कल्याण नहीं चाहते, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, शादी कर लो शादी कर लो, शादी के चक्कर में उलझा रहे हैं। अरे मैं तो भक्ति करना चाहता हूं। जब नारद जी बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा के श्राप से नारद जी को दासी पुत्र बनना पड़ा। फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी गलत कर रहे हो, आप भगवान से मुझे दूर कर रहे हैं। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ आप भजन नहीं करने दे रहे हैं हम सबको, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, भजन नहीं करने दे रहे हैं, जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूं, आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, केवल पुष्कर में मंदिर है एक। क्यों पूजा नहीं होती? नारद जी का श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी को। एक्चुअली कल्प तीन होते हैं। कितने कल्प होते हैं? तीन। पहले कल्प का नाम है ब्रह्म कल्प। अभी जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्प। ये बाराह कल्प है। इसके बाद आएगा पद्म कल्प। तीन कल्प हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। तो जो बीच का कल्प है, जिसे बाराह कल्प प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, जिसमें आप और हम हैं, ये बाराह कल्प जो है, हाँ, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, पर ब्रह्म कल्प और पद्म कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस कल्प में केवल श्राप नारद जी का। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़ कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमया, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने हजार वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। पांच वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आए, आने थे वो बाहर, पांचों आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके पांचवें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की, इसने उसको नष्ट कर दिया और चार वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा माता इसमें ओम नाम लिखा है,
और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला तो कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, चार युग तक समाधि लगा कर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब चार युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सर्वपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सर्वपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहाँ भेजी, लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज़ लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज़ लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं, माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा, अब कैसे चलूं, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि एक से दो गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी इसी उद्देश्य से, कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जाएं। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ, दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है, क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में
और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो तीन बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में दो बार लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि मनुष्यवत मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा समंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो, आकाशवाणी अपने इंटरनल कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने ब्रह्म ने थर ब्रह्म ने कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जब पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर छोटा ठाकर खड़ा हो जाता है साची बता दो, झूठ बोलते हो तुम, उन्होंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर रहा। तब वो कहने लग गया कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा, पर विद्वान कब आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था, उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात ऐसी लगी उसको।